आदमी पार्टी ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर असमय बारिश होने से किसानों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता एवं फसल बीमा दिलवाने की मांग के साथ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को दिया। ज्ञापन के पूर्व बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर में एकत्रित हुए और किसानों के समर्थन में नारेबाजी कर किसानों को तुरंत मुआवजा एवं बीमा क्लेम का भुगतान करने की मांग की। आपकी प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार अग्रवाल ने जानकारी में बताया कि ज्ञापन में उल्लेख किया है कि यह सर्वविदित है कि वर्तमान में फसलें खेतों में पककर तैयार थी, ऐसे समय में अचानक असमय बारिश का दौर प्रारंभ हो गया जिससे किसानों की फसलें खेत खलिहान में पानी भरने से 70 से 80% तक खराब हो गई है और उनको व्यापक रूप से आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे समय में शासन का दायित्व बनता है कि प्रदेश के किसानों के साथ हुए इस वज्रपात के समय उनकी आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें संबल प्रदान किया जाए, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि इस समय किसान पहले से ही लहसुन और प्याज के भाव को लेकर पीड़ित है और उसकी आर्थिक स्थिति काफी विकट है और ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा ने उसे तोड़कर रख दिया है, अतः तुरंत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए।